काफ़ी देर तक जब हम इसी प्रकार झुके हुए रहते हैं थक जाते हैं, हमारे कंधे, हमारी गर्दन या हमारी तमाम मांसपेशियां थक जाती हैं और एक रोग से हम ग्रसित हो जाते हैं जिसे कहते हैं सर्वाइकल। आप सभी परिचित होंगे, इसमें ये जो मांसपेशियां हैं कड़ी हो जाती हैं, बड़ा दुखदायी रोग होता है। तो आइए जानते हैं योग के माध्यम से हम छोटी छोटी क्रियाओं के माध्यम से कैसे हम स्वस्थ हो सकते हैं, कैसे हम इनको दूर कर सकते हैं। सर्वप्रथम अपने ही स्थान पर कमर गर्दन सीधा कर लें और श्वास भरते हुए गर्दन को पीछे की ओर ले जाएं। श्वास छोड़ते हुए वापस गर्दन को सीधा करें, श्वास भरते हुए पुनः पीछे जाएं, श्वास छोड़ते हुए मध्यम। ऐसा 3 से 5 बार करें। याद रखें गर्दन को आगे नहीं लाना है। दूसरी क्रिया है हमारी, श्वास भरते हुए कान को कंधे से ऐसे बाएं, श्वास छोड़ते हुए, श्वास भरते हुए प्रयास करें कि हमारा कान कंधे से छुल जाए, परंतु इसके लिए कंधे को ऊपर नहीं लाना है, कंधा वहीं अपने स्थान पर रहेगा, कान को ले जाने का प्रयास करें। ऐसे 5 राउंड बाएं और दाएं के। तीसरी हमारी क्रिया है रोटेशन, गर्दन को गोल घुमाने की। श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए, श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए 4 से 5 बार करें। अभी हमने जो 3 क्रियाएं की, इन तीनों को जोड़ देना है, जोड़कर चौथी क्रिया का अभ्यास करना है। वह होगी कि गर्दन को हमने इस बार पूरा ना मोड़कर 45 के एंगल पर इस दिशा में, ना सामने ना बिल्कुल इधर, इस ओर गर्दन को किया और पीछे और नीचे इस प्रकार, ताकि हमारी जो क्रेनियल नर्व्स हैं इनमें खिंचाव हो सके। ये जो हमारी क्रेनियल नर्व्स हैं कान के पीछे, ये रिस्पॉन्सिबल है हमारे इस रोग के लिए। श्वास छोड़ते हुए वापस इसी प्रकार गर्दन को इस ओर, याद रखेंगे कि प्रत्येक क्रिया श्वास के साथ जोड़कर ही करें, यानी श्वास लेते हुए और छोड़ते हुए। अगली हमारी क्रिया है इस प्रकार से घूमते हुए हाथों को इस प्रकार से फंसा लें पीछे और श्वास भरते हुए यूं ऊपर उठा दें, यथासंभव रोक कर रखें और धीरे से श्वास छोड़ते हुए वापस 5 से 6 बार ऐसा भी करें। एक हाथ को उठाते हुए दूसरे हाथ से ऐसे पकड़ते हुए श्वास के साथ इस क्रिया को भी ऐसे, बस इतना मात्र करने से सर्वाइकल जैसे कष्टदायक रोग से मुक्ति। अगला रोग आता है कमर दर्द, काफी लंबे समय तक बैठे रहते हैं, लोअर बैक पेन की समस्या होती है। इसके लिए प्रत्येक घंटे पर अपने स्थान पर खड़े हों, दोनों पैरों में दूरी रखते हुए श्वास भरते हुए इस प्रकार से पीछे, श्वास छोड़ते हुए आगे, श्वास भरते हुए पुनः पीछे की ओर, छोड़ते हुए सीधा। वही 5 से 6 बार करें। अपने स्थान पर बैठ जाएं। बैठकर इस प्रकार इस चेयर के इस हैंडल को पकड़ते हुए श्वास भरते हुए ऊपर की ओर खींचें, श्वास छोड़ते हुए श्वास भरते हुए हाथ ऊपर और श्वास छोड़ते हुए, क्रिया की पुनरावृत्ति 5 से 6 बार करें। इस हैंडल को पकड़ते हुए और अपने स्पाइन को यूं ट्विस्ट करना है, इस ओर से देखना है, बारी बारी से श्वास निकालते हुए पांच से छह बार यह भी करें।